वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है डॉक्टर शर्मा और आप सभी का स्वागत है कोचिंग में। तो आज जो है हम क्वेश्चन ऑफ़ द डे सीरीज़ का दोबारा से एक अलग क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है हमारे है। इंटरशन बिटवीन अमीनो एसिड्स इन सिंगल चेन थर्ड ऑप्शन है इंटर रिलेशन ऑफ अमीनो एसिड इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन एंड फोर्थ ऑप्शन है द इंटर रिलेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन अ प्रोटीन विद मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो बेसिकली बहुत लंबे लंबे ऑप्शन लंब हैं इसके तो आप चिंता मत करिए हम जो है आज प्रोटीन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ होता है प्रोटीन मिलके बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स ट्वेंटी अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि अलग अलग पैटर्न से अरेंज होते हैं और अलग अलग तरीके का प्रोटीन बनाते हैं तो इन्हीं अरेंजमेंट के बेसिस पे चार तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटररी स्ट्रक्चर चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है कुछ भी नहीं है प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होगा दो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होंगे जैसे ये दो अमीनो एसिड्स है मान लीजिए अमीनो एसिड वन है और दूसरा अमीनो एसिड है अमीनो एसिड टू तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच का ये है पेप्टाइड बॉन्ड और ये एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसमें और कुछ भी नहीं है सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है चलिए तो हमने देखा कि प्राइमरी और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो किसके लिए होता है वो सिंपली अमीनो एसिड को जुड़ने के लिए होता है दो अमीनो एसिड चार अमीनो एसिड जुड़ते हैं और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए लंबी चेन बन गई है अमीनो एसिड्स की अब एक प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है तो अब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के को कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोटीन चेन है जो कि इस तरीके से कॉइल्ड हो रखी है सारी कॉइल्ड हो रखी है तो यही है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली जो प्रोटीन चेन है एक लंबी प्रोटीन चेन जो बन चुकी है अब उसमें और हो रही है एक ही प्रोटीन चेन में कई सारी कॉइलिंग हो रही हैं उसे कहेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मेजर बॉन्ड होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये एक पार्ट है प्रोटीन चेन का ये दूसरा पार्ट है प्रोटीन चेन का तो इसमें आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ठीक है अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बेसिस पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना दो तरीके का होता है पहला होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है इसे कहते हैं एल्फा हेलिक्स क्योंकि ये हेलिक्स की शेप का है कॉइल्ड है ये इसीलिए इसे एल्फा हेलिक्स कहते हैं दूसरा होता है बीटा शीट स्ट्रक्चर ये शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रोटीन चेन है एक उसके ऊपर ऐसे दूसरा इस तरीके से शीट्स बन जाती है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक करके तो दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स जो कि डीएनए की तरह कॉइल्ड होता है दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्लीट्स जैसा जो कि एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक प्लेट्स जैसे लगते हैं वो होता है अब चलते हैं हम अपने टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर तो टर्शरी स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसा सेकेंडरी में हमने देखा कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स होते हैं वैसे ही जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड का देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारा और इस टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये कैसे एकदम गोल मटोल हो गया है एकदम थ्री स्ट्रक्चर हो गया है ये देखिए इतने सारे कॉइल्स हो गए हैं अब एम सी क्यों यहां से भी आ सकता है जैसे अभी पूछा गया है या एमसी क्यू यहां से भी आ सकता है कि जो टर्श्री स्ट्रक्चर है टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो स्ट्रक्चर के जो नेम्स हैं बॉन्ड्स के वो मैं आपको बताती हूं एक तो हो सकता है आपका सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड दूसरा हो सकता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ये मैं आपको टर्सरी स्ट्रक्चर के बता रही हूं तीसरा हो सकता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से भी टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है चौथा हो सकता है आपका आयोनिक बॉन्ड फिफ्थ हो सकता है आपकी वैंडरवॉल फोर्सेस ये पांचों बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कोविलेन बॉन्ड एच बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और वैंडरवॉल फोर्सेस ये सब प्रेजेंट होते हैं अब इसके बाद आता है लास्ट वाला स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम क्वाटर स्ट्रक्चर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हाईली थ्री होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये और इसमें कई सारी अभी तक तो हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि एक ही पेप्टाइड चेन चल रही थी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन के जुड़ने से बनता है यानी कि कई सारी पेप्टाइड चेन जब जुड़ेंगी तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं एक बार प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम आसान सा स्ट्रक्चर है कुछ नहीं है अमीनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब अमीनो एसिड्स जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहती है एक दूसरे के ऊपर ही कॉइल हो जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप्स होते हैं एल्फा हेलिक्स और बीटा शीट टाइप्स होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर जो है उसमें एकदम गोल मटोल गोलमोल हो जाता है गोथ मोथ हो जाती है पेप्टाइड की चेन्स इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एच बॉन्ड कोविलन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड वैंडोवॉल फोर्सेस ये सब होती है और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जब दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ने को लगती है तो उसे बोलते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सभी तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक टॉपिक यहाँ खत्म किया है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं अब हम दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन था हम लोग को हम लोग का ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटींस इज पहला ऑप्शन है द अरेंजमेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन तो ये बात हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर ए बात हो रही है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर की जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग है ऑप्शन नंबर बी इंटररिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ये बात हो रही है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जिसमें क्या हो रहा है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में कई सारी अमीनो एसिड्स आपस में एच बॉन्डिंग के थ्रू रिलेशनशिप बना रही है थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन है इंटर रिलेशन ऑफ अमीनो एसिड इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो टू पॉलीपेप्टाइड चेन में हमने क्या देखा टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जब वो एकदम गोथमोथ हो जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो है आपका थर्ड और फोर्थ में है द इंटररिलेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन अ प्रोटीन विद मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल प्रोटीन में मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन में अब जब स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हो रहा है एकदम 3D बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो उसे बोलते हैं हम क्वार्टरनरी चलिए आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू